हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं आरती एंड अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू ट्यूबरक्यूलोसिस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनकी फैमिली को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मुझे किसी ने पूछा था कि दीदी मुझे लंग टीबी है एंड तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि मुझे लंग टीबी है एंड इस वजह से मेरी फैमिली में कोई भी मेरे पास नहीं आता, उन्होंने मुझे एक रूम में रख दिया है, बस खाना देते हैं एंड चले जाते है, उन्होंने ऐसा बोला था। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी जरूरी है, इसीलिए आज दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ टीबी पेशेंट्स। तो अगर आपके फैमिली में किसी को टीबी है तो आप प्लीज पहली बार तो आप ये मत सोचिए कि इसके पास जाना ही नहीं है, अगर हम टीबी पेशेंट्स के पास जाएंगे तो वो टीबी जो है हमें भी आ जाएगा। अगर आपकी फैमिली में लंग्स टीबी है किसी को तो थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि लंग्स टीबी जो है वो दूसरों को स्प्रेड होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो होल टाइम में स्प्रेड होता है। बस आपको ट्रीटमेंट के फर्स्ट 1 to 2 months ही ज्यादा ध्यान रखना है, उस टाइम ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आपके घर में किसी को ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी या फिर कहीं और जगह पे टीबी है तो वो आपको स्प्रेड नहीं होगा। तो अगर आपके घर में किसी को लंग्स टीबी भी है तो आप ऐसा मत करिए कि सिर्फ उनको खाना पानी दवाई दे दिया और आप उनके पास जाए ही नहीं। आप उनके पास जाइए, बैठिए, उनसे बातें करिए, बस आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आपको वो टीबी जो है स्प्रेड ना हो। क्योंकि बहुत सारे विलेजेस में या फिर किसी किसी एरियाज में जहाँ पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, वहाँ पे लंग्स टीबी के पेशेंट्स को अलग से रख दिया जाता है। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि उनको अलग से रखा है और कोई उनको मिलने नहीं आता है और सिर्फ उनको खाना पानी देते हैं एंड चले जाते हैं, दवाई देते चले जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। आपको उनसे जाके मिलना होता है, उनसे बातें करनी होती है, उनको मेंटली भी स्ट्रांग रखना होता है। तो आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो सबसे पहले तो आप जो है अपना मास्क लगा के रखिए। अगर आपके घर में किसी को लंग्स टीबी है तो आप जब उनके पास जाए आप अपना मास्क लगा के रखिए, क्योंकि जो लंग्स टीबी है वो जब जो टीबी पेशेंट अगर आपके पास में स्नीजिंग करता है, उसके मुंह से कुछ निकलता है, उस टाइम स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो आपको फर्स्ट प्रिकॉशन तो क्या करना है कि आपको हमेशा मास्क लगा के रखना है जब उनके पास जाए एंड आपको उनसे कम्युनिकेशन बना के रखना है, आपको उनसे बातें करते रहना है। आप मास्क लगा के जाए उनके पास एंड उनसे बातें करें। ऐसा नहीं है कि किसी को लंग्स टीबी है तो आप उनके पास जाए ही ना, ऐसा करेंगे तो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप उनके पास जाए, मास्क लगा के जाए एंड आप उनसे नॉर्मली अच्छे से बातें कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो आपको करना है, जो आपके पेशेंट है उनको तो बैलेंस डाइट देना ही है, प्रोटीन रिच फूड देना ही है, अच्छा खाना देना ही है। उसके साथ साथ आपको भी अपना डाइट जो है वो सही रखना है, क्योंकि जो इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को ज्यादा फैलती है जिनमें इम्यूनिटी कम होती है और जो थोड़ा सा वीक होते हैं अंदर से। तो आपको अपना डाइट का भी ख्याल रखना है, अपने पेशेंट के साथ साथ अपनी डाइट का भी आप ध्यान रखें। ये हो गया सेकंड टिप। एंड थर्ड टिप जो है, आप अगर लंग टीबी के पेशेंट के हस्बैंड है या फिर वाइफ है, अगर आपके हस्बैंड को लंग्स टीबी है एंड आप उनकी वाइफ है या फिर आपकी वाइफ को लंग्स टीबी है एंड आप उनके हस्बैंड है, तो प्लीज अवॉइड फिजिकल रिलेशनशिप, क्योंकि इससे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो जब तक आपके पार्टनर का ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लीज आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो अवॉइड करिए। ये मैक्सिमम लोगों को पता होता ही है एंड लोग करते भी है, बट स्टिल मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और उसके बाद में अनदर टिप है कि आप अपने जो पेशेंट है उनको तो अच्छे से खाना दीजिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड दीजिए, जैसे उनको काढ़ा वाढ़ा भी पिला सकते हैं। आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस टाइम आप काढ़ा भी पिला सकते हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा जो होता है जिनमें इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। और उनके साथ साथ आप भी अपना इम्यूनिटी का ख्याल रखें, क्योंकि आप उनके टच में जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, तो आपको भी अपनी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग बनानी है। तो आप भी इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स लीजिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स लीजिए, जिन खाने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो आप वो खाना लीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस, उन्हीं लोगों को ज्यादा फैलती है जिनमें इम्यूनिटी की कमी होती है। तो ये हो गया अनदर टिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट टिप है ये है कि आप
आपके जो पेशेंट है उनके बेडशीट्स आप डेली चेंज करिए, उनको क्लीन रखिए, उनके कपड़े चेंज करिए, और उनके कपड़े और बेडशीट्स जब भी आप उनके बेडशीट्स पिलो कवर जब भी आप चेंज करते हैं उसको धोते, आप उनको ना प्रॉपर सनलाइट में सुखाइए ताकि जितने भी वहां पे अगर कुछ बैक्टीरियाज कुछ भी होते हैं तो वो सनलाइट की वजह से वो चले जाते हैं, तो आप उनको सनलाइट में सुखाइए। एंड अगर आपके पेशेंट चलने के कंडीशन में है, क्योंकि लंग्स टीबी के पेशेंट्स तो मोस्टली चलते ही है, स्पाइन या फिर ब्रेन टीबी वाले जो है उनको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होता है इनिशियल डेज में, सभी को नहीं किसी किसी को, बट लंग्स टीबी के चलते हैं, तो अगर आपके पेशेंट चल सकते हैं तो आप उनको चलाइए और उनको मतलब वॉक कराइए, और आप उनको ना सनलाइट में रखिए, मॉर्निंग के सनलाइट में आप उनको रखेंगे तो आप उनकी बॉडी में भी सनलाइट आएगी एंड वाइटामिन डी भी मिलेगी उनको। नहीं तो आप अगर आपके पेशेंट नहीं चल सकते तो आप उनको व्हील चेयर में ले जाके भी थोड़ी देर में डेली 5 to 10 minutes उनको सनलाइट प्रोवाइड कराइए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो माई इंस्टाग्राम आईडी इज कलर्स ऑफ लाइफ 34। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।